नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं ट्विंकल वर्मा, गोल्ड फिल्म मिरर की तरफ से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस प्रोग्राम का नाम CFM वीक है। गोल्ड फिल्म मिरर हर सप्ताह नए कवि और कवित्रियों को इस वीडियो में जुड़ने का सुनहरा मौका दे रहा है। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर व्हाट्सएप नंबर उपलब्ध है, आप अपनी स्वरचित कविता पाठ करते हुए उस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं और अपनी प्रतिभाओं को निखार सकते हैं। आइए अब कविता की ओर बढ़ते हैं। आज की मेरी स्वरचित कविता का शीर्षक है नजरों का समझौता। सोई थी मैं बेफिक्र, थोड़ा ठंड का आभास हुआ। सोई थी मैं बेफिक्र, थोड़ा ठंड का आभास हुआ। अचानक नींद खुल गई और खिड़की से बाहर के नजारे को देख मैंने नजरों से समझौता कर लिया कि बारिश पूरी रात हुई है। इस लॉकडाउन ने तो मुझे आलसी से महा आलसी बना दिया। गई ऊपर छत में पैर रखते ही बाप रे बोल पड़ी, पानी के था जम गए थे। मैंने फिर एक बार नजरों से समझौता कर लिया कि शायद बारिश पूरी रात हुई है। दूर दूर तक कोई दिखा ही नहीं। सामने के फ्लैट से बच्चों की आवाज सुनी और नजरें दौड़ गई। बच्चे खुशी से पानी में छप छप कर कूद रहे थे। एक बार फिर मैंने नजरों से समझौता कर लिया कि बारिश पूरी रात हुई है। ठंडी हवा का आनंद मैं ले रही थी। चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान थी। सोच रही थी काश पूरी जिंदगी मैं ऐसे ही जीऊं। छत की दीवार पर मैं उचक कर नीचे देखने की कोशिश कर रही थी। कुत्ते का बच्चा और वो 5-6 साल की बच्ची ठंड से कांप रहे थे। दोनों के बदन से अब भी पानी टिप टिप करके गिर रहे थे। वो दृश्य मेरे मन में अजीब सी बिजली के समान कौंध गई। मैंने एक बार फिर नजरों का समझौता कर लिया, शायद बारिश पूरी रात हुई है। मैंने एक बार फिर नजरों से समझौता कर लिया कि शायद बारिश पूरी रात हुई है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं पूजा कुमारी साव, कोल्ड फिल्म मिरर के तरफ से मैं आप सबके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। उस कविता का शीर्षक है समय। आप सभी जानते ही हैं कि आज पूरा विश्व वैश्विक कोरोना के महामारी से लड़ रहा है। तो ऐसे में हम सभी और हमारा समाज पूरा आतंकित है कोरोना के भय से। और इस समय बड़े ही आत्मविश्वास के साथ और दृढ़ संकल्प के साथ अपने में आशा भरने का और पूरे आत्मविश्वास के साथ इससे लड़ने की ज़रूरत है। और आशा करती हूँ कि आप सभी स्वयं में आशा का संचार करेंगे और आत्मविश्वास के साथ डटकर सामना करेंगे। तो सुनिए, समय। समय यह आन पड़ी कि हम अभी भी कष्ट में, कल भी हम कष्ट में थे और आज भी कष्ट में। कष्ट की मात्रा कहोगर तो है थोड़ा कम ज़्यादा, पर थरथराए पैर मेरे, कपकपाए होंठ भी। हर तरफ है बेचैनी, चाह बस कब आए शांति इतनी ही। समय अभी विपरीत चल रहा है। काल जैसा लग रहा है, पर इससे घबराए क्यों। डार्विन के सिद्धांत को बोलो हम भला ठुकराए क्यों। लड़ रहे थे कल भी और लड़ रहे हैं आज भी। लड़ते लड़ते जीत लेंगे इस महाविकट काल को। आशा ऐसे जैसे कि सूर्य रोशनी आएगी। आशा वैसे जैसे धरा पर चांदनी रात में छाएगी।
हार के ही बाद जीतने का काल भी आ जाएगा, जीत जाएंगे यह तम के काल को, लड़खड़ाएंगे मगर पहचान लेंगे ब्याल को। मर मिटेंगे लेकिन ना झुकेंगे इसके आगे, मर मिटेंगे लेकिन ना झुकेंगे इसके आगे, जितने कष्ट और भाला ही हो। कल भी कष्ट में थे और आज भी हैं कष्ट में, डर ना लगता अब तो मुझको, डर ना लगता अब तो मुझको, क्योंकि लड़ने का अब अनुभव दिल के घर में है, क्योंकि लड़ने का अनुभव अब तो दिल के घर में है। समय हमको मात दे दे या तो ना हम सह सके, समय हमको मात दे दे या तो ना हम सह सके, जीत जाएंगे हम यदि हम उससे लड़ सके, जीत जाएंगे हम यदि हम उससे लड़ सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। नमस्कार, मेरा नाम है पूजा कुमारी वाल्मीकि। आप सभी के समक्ष अपनी एक स्वरचित कविता का पाठ करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है वृद्धावस्था। कविता कुछ इस प्रकार है। केंद्र से परिधि की ओर जाती हुई एक अवस्था, ऐसी एक स्थिति है वृद्धावस्था। मानव जीवन की यह चरमावस्था, अभिशाप कतई नहीं वृद्धावस्था। वार्धक्य में मनुष्य लोगों से कट सा जाता है, अंत जैसे उसे अपना नजर सा आता है। परिवार से विच्छिन्न होने का डर भी उसे सताता है, ऐसे में कुंठित होना स्वाभाविक हो जाता है। कोई भी व्यक्ति इस स्थिति से कट नहीं सकता, कितना भी कमा ले वृद्ध होने से बच नहीं सकता। सत्य सूरज धरती आसमां चंद्रमा सत्य है, शैशवावस्था भी सत्य वृद्धावस्था भी सत्य है। फिर भी वृद्ध से हर कोई कटा है, वृद्ध की खाट जहां वहां ना कोई बैठा है। जीवित एक मानव से इतने फासले, मृत्यु पश्चात हर कोई चच्छू भिगोए बैठा है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी गुप्ता, काजी नजरुल विश्वविद्यालय की द्वितीय सत्र की छात्र, आप सभी का कोल फिल्म मिरर में स्वागत करती हूँ। मैं आप सभी के समक्ष अपनी स्वरचित कविता पाठ करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है मैं आत्मनिर्भर बन के रहूँगी। माना आज मैं आत्मनिर्भर नहीं हूँ, माना आज मैं आत्मनिर्भर नहीं हूँ, पर यह ज़रूरी नहीं कि मैं कभी आत्मनिर्भर नहीं बन पाऊँगी। मैंने शुरुआत कर दी है, मैंने शुरुआत कर दी है अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, और एक नए दिन मैं आत्मनिर्भर बन के दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने शुरुआत कर दी है। मैंने भले ही शुरुआत देर से की है, पर शुरुआत तो की, अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक प्रयास तो की। रुकूंगी नहीं, अपने आप को बांधे रखूंगी, आगे बढ़ते रहूंगी। तब तक प्रयास करूंगी जब तक मेरे कदम आसमान न छू ले, तब तक प्रयास करूंगी जब तक मेरे कदम आसमान न छू ले। धन्यवाद।